कैप्टन विक्रम बत्रा सर के बारे में या फिर संदीप उन्नीकृष्णन सर के बारे में उनकी बहुत ज्यादा प्रेरणा होती है। देश सेवा में खुद को समर्पित करने का सपना प्रत्येक देशभक्त देखता है, लेकिन बहुत कम होते हैं जो अपने कार्य से न सिर्फ देश का नाम ऊंचा करते हैं पर साथ ही अपना और अपने परिवार का नाम भी रोशन करते हैं, जिसमें एक नाम अब चरखी दादरी जिले के चंदेनी गांव से आने वाले अनुराग सांगवान का भी जुड़ गया है। टीचर्स मना करते रहे, 12वीं की बोर्ड की परीक्षा है, रिस्क मत लो, लेकिन अनुराग को दोस्तों से किया वादा मानो पूरा करना ही था। दो नावों पर अनुराग ने न केवल सवारी की बल्कि एनडीए में टॉप कर रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये सपना मैंने अपनी चौथी क्लास से ही देखना शुरू कर दिया था। जब मुझे ये आभास हुआ कि देश सेवा के लिए लोग इतना समर्पण रखते हैं, तो मैं क्यों ना अपना कुछ जीवन का हिस्सा या अपने जीवन को देश के लिए समर्पित करने की एक प्रयास करूं। अनुराग मेजर संदीप उन्नीकृष्णन को अपना रोल मॉडल मानते हैं। वही मेजर संदीप उन्नीकृष्णन जिन्होंने 26/11 के मुंबई आतंकी हमले में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। महज 17 साल की उम्र में देश भर में यूपीएससी एनडीए एग्जाम टॉप करके अनुराग ने इतिहास रच दिया। गुरुग्राम के ब्लू बेल स्कूल से इसी साल 12वीं के एग्जाम दिए और अपने पहले ही अटेम्प्ट में एनडीए की परीक्षा टॉप करके सभी को हैरान कर दिया, जिसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी अनुराग सांगवान को उनकी इस उपलब्धि पर बधाई दी। बहुत अच्छा है, उसने इतनी मेहनत करके और यहाँ ये पोजीशन पाई है, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, हमारी शुभकामनाएं। और कभी भी इस बालक के लिए आगे बढ़ने में किसी बात की आपको कोई आवश्यकता महसूस हो, आपको कोई हमारा सहयोग चाहिए, तो हम पूरा सहयोग करेंगे। अनुराग के पिता जीवाक सांगवान गुरुग्राम के मानेसर स्थित एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं और उनकी माँ एक प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं। एनडीए में टॉप करने से पहले अनुराग सांगवान बेंगलुरु स्थित देश के सबसे प्रतिष्ठित विज्ञान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का एग्जाम भी क्रैक कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने पूरे भारत में 250वीं रैंक हासिल की थी। अनुराग चरखी दादरी के जिस चंदेनी गांव से आते हैं, उस गांव का बेहद शानदार सैन्य इतिहास रहा है। चंदेनी गांव ने देश की सेना में 30 से अधिक कमीशन्ड ऑफिसर दिए हैं और लगभग 21 जवान इस गांव से अब तक देश के लिए शहादत भी दे चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।